अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो है ट्रांजेक्शन देखी थी कि ट्रांजेक्शन को किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके फेजेस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स और स्केड्यूलिंग वो देखा, और सीरियलाइजेबिलिटी जो है ट्रांजेक्शन की वो देखी। अब हमने ट्रांजेक्शन के एटॉमिक क्विक प्रोटोकॉल्स जो हैं उनको डिस्कस करना है। ओपन टाइम से ट्रांजेक्शन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सेवरल टाइम्स, ठीक है, सेवरल टाइम्स जो है हमने सेवरल सिस्टम्स के अंदर ट्रांजेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करवाना होता है। और ये केस तब होता है जब हमारे पास एक डेटाबेस की डिफरेंट कॉपीज होती है, ठीक है, मतलब एक डेटाबेस है उसके आगे रेप्लिकास बने हुए हैं, डिफरेंट कॉपीज हैं, और हमने हर रेप्लिका के अंदर ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन को सिमिलरली परफॉर्म करवाना होता है। अब ये अचीव करना हो जब टास्क, तो हमें इंश्योर कराना होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांजेक्शन जो है वो वैलिड हो हर सिस्टम के ऊपर, यानी जो ट्रांजेक्शन हम एक कॉपी के ऊपर परफॉर्म करा रहे हैं वो बाकी सारी कॉपीज के ऊपर भी एज इट इज परफॉर्म हो, सारे ऑपरेशन एज इट इज परफॉर्म हो, या तो वो परफॉर्म होंगे या फिर बिल्कुल नहीं होंगे। अब ये जो है हमने इसको करवाने के लिए हमने कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करने हैं। तो ट्रांजेक्शन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल जो है वो सेट ऑफ रूल्स हैं दैट इज फॉलोड विल इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन कमिट्स एवरीवेयर और अबॉर्ड्स एवरीवेयर। अगर हम इन प्रोटोकॉल को यूज़ करें तो ये इंश्योर कराते हैं कि ट्रांजेक्शन जो है वो या तो हर डेटाबेस की रेप्लिका और कॉपी के ऊपर कमिट होगी या फिर एबॉर्ट हो जाएगी। सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है वो है टू फेज कमिट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल इज टू फेज कमिट, यानी इसमें दो फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। यू मे नोटिस दैट इट इज वेरी सिमिलर टू द प्रोटोकॉल दैट वी यूज फॉर टोटल ऑर्डर मल्टीकास्ट, यानी जो हम मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं ये प्रोटोकॉल बिल्कुल वैसे हैं। मल्टीकास्टिंग में क्या होता है, आपने एक आपका यूज़र होता है और उससे जो है डाटा वो मल्टीपल साइट्स पे सेंड करना होता है। एक सिचुएशन ये होती है या फिर ये होता है कि मैनी यूज़र्स होते हैं और मैनी रिसीवर्स होते हैं, यानी मैनी टू मैनी और वन टू मैनी का फंक्शन जो है वो मल्टीकास्ट के अंदर परफॉर्म होता है। मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल यूज ए टू फेज अप्रोच टू अलाउ द कोऑर्डिनेटर टू सेलेक्ट ए कमिट टाइम बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट। कोऑर्डिनेटर ने जो है वो टाइम अलॉट करना होता है और पार्टिसिपेंट से उसने जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है उसके अकॉर्डिंग। टू फेज कमिट जो है वो लेट्स द कोऑर्डिनेटर सेलेक्ट वेदर और नॉट ए ट्रांजेक्शन विल बी कमिटेड और एबॉर्टेड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन फॉर पार्टिसिपेंट। अब वो कोऑर्डिनेटर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेंट से रिसीव करेगा उसकी बेसिस के ऊपर वो ये डिसीजन करेगा कि ट्रांजेक्शन आया कि इस डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म हो सकती है, कमिट हो सकती है या एबॉर्ट होगी। इसमें टू फेजेस जो हैं वो आप देखें, पहला फेज है कोऑर्डिनेटर ने प्री कमिट करना है, यानी उसने ट्रांजेक्शन जो है उसको राइट करना है और एटॉमिक स्टोरेज में उसको भेज देना है। प्री कमिट के बाद क्या होगा, वेट फॉर रिक्वेस्ट, ठीक है, पार्टिसिपेंट की तरफ से। अब सेंड रिक्वेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स, कोऑर्डिनेटर ने सारी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर देनी है पार्टिसिपेंट को, पार्टिसिपेंट ने अब आगे जो है वो रिप्लाई करना है। अगर तो रिक्वेस्ट रेडी है यानी उसकी ट्रांजेक्शन ओके है जो उसने कोऑर्डिनेटर ने भेजी थी, तो वो प्री कमिट की स्टेट में भेज देगा उसको, ठीक है, और प्री कमिट के बाद वो सेंडर को रिस्पॉन्स करेगा, यानी कोऑर्डिनेटर जो उसका सेंडर है उसको रिस्पॉन्स करेगा विद येस, यानी आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगी। अपॉन रिक्वेस्ट इफ नॉट रेडी, अगर हमारी ट्रांजेक्शन जो है वो रेडी नहीं है, ठीक है, यानी ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं हो सकती, तो वो कोऑर्डिनेटर को नो का रिस्पॉन्स भेज देगा। पहले तो ये होगा कि ट्रांजेक्शन जो है उसमें परफॉर्म होना या नहीं होना। कोऑर्डिनेटर ब्लॉक्स वेटिंग फॉर ऑल रिप्लाइज, कोऑर्डिनेटर जो है वो वेटिंग जो रिस्पॉन्स है उसको ब्लॉक कर देगा। टाइम आउट इज पॉसिबल, इसमें टाइम आउट अप्लाई होगा डेट वुड मैंडेट एंड एबॉर्ट, जो कि अगर नो है आपका तो एबॉर्ट पे हो जाएगा। फेज टू में हमारे पास क्या होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी हमने फेज टू में नो रिटर्न पॉइंट पे आ जाना है। इसे ऑल पार्टिसिपेंट वोटेड येस, अगर जितने पार्टिसिपेंट जिसको उसने सेंड भेजी है, यानी यहाँ पे मल्टीकास्टिंग देखें अप्रोच है, एक आपका कोऑर्डिनेटर है और आगे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स हैं, उसने अपनी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने की वो मल्टीपल साइट्स पे भेजी, उनमें से कुछ पार्टिसिपेंट्स ने येस का आंसर किया, कुछ ने नो का। अब जिसने येस का आंसर किया, ये उनमें से तमाम जो है उन्होंने येस का आंसर किया है, देन सेंड द कमिट टू ईच पार्टिसिपेंट, तो वो कमिट का जो है साइन हर पार्टिसिपेंट को भेज देगा। अदरवाइज सेंड अबॉर्ट टू ईच पार्टिसिपेंट, तो या वो कह देगा कि आप ट्रांजेक्शन को है अबॉर्ट कर दें।
ठीक है, वेट फॉर द वर्ड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर। अब यहाँ पर सेकंड फेज में पार्टिसिपेंट क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर से आंसर का या रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। अगर तो कोऑर्डिनेटर कमिट का रिस्पॉन्स करता है तो कमिट तक आपकी ट्रांजेक्शन प्री कमिट से कमिट तक सारी जो फेजेस थे हमारी ट्रांजेक्शन के वो कम्प्लीट करके आपको आंसर दे देगी। अगर वो एबॉर्ट का सिग्नल आपको इशू करता है तो हमने पार्टिसिपेंट ने क्या करना है, उसको ट्रांजेक्शन को एबॉर्ट कर देना है। तो ये हमारे दो फेजेज हैं उसके एटॉमिक कमिट प्रोटोकॉल के। इसको ज़रा एक आर्किटेक्चर की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखते हैं। टू पीसी यानी टू फेज कमिट कोऑर्डिनेटर स्टार्ट एग्जीक्यूट प्री कमिट। प्री कमिट डन यानी उसने एग्जीक्यूट करवाया प्री कमिट स्टेट में उसको ट्रांजेक्शन को भेज दिया, प्री कमिट हो गई। अब सेंड रिक्वेस्ट टू ईच पार्टिसिपेंट, हर पार्टिसिपेंट को उसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है। वेट फॉर ईच पार्टिसिपेंट टू रिप्लाई टाइम आउट इज पॉसिबल, और वो वेट करेगा हर पार्टिसिपेंट का कि वो रिप्लाई करे। अगर तो टाइम आउट हो गया ठीक है, यानी पार्टिसिपेंट्स ने विद इन टाइम लिमिट जो कोऑर्डिनेटर ने स्पेसिफाई किया था रिप्लाई नहीं किया, तो आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो एबॉर्ट स्टेट में चली जाएगी। और अगर विद इन टाइम आपकी रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लिया गया है और पार्टिसिपेंट ने रिप्लाई कर दिया है, येस का आंसर दे दिया है, तो आपकी ट्रांजेक्शन कमिट स्टेट में आ जाएगी एंड डन, यानी आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी कम्प्लीटली कमिट हो जाएगी। पहले फेज में ये था हमारे पास, यानी यहाँ पर जो हमने प्री कमिट का ये देखा था, यहाँ पर ये वाली चीज़ प्री कमिट वाली ठीक है, यानी पार्टिसिपेंट में जो उसने भेजा। अब हमने सेकंड में रिक्वेस्ट देखना है, स्टार्ट किया एग्जीक्यूशन के लिए उसने रिक्वेस्ट सेंड की पार्टिसिपेंट को ठीक है। अब यहाँ पर पार्टिसिपेंट साइड पे क्या हो रहा है जनाब, के स्टार्ट और अपॉन रिक्वेस्ट, अगर तो रिक्वेस्ट नहीं रेडी तो पार्टिसिपेंट ने क्या करना है, अबॉर्ट कर देना है ट्रांजेक्शन को। और अगर रिक्वेस्ट रेडी है तो पार्टिसिपेंट ने क्या करना है, प्री कमिट स्टेटमेंट को भेज देना है और कोऑर्डिनेटर को यस का रिस्पॉन्स करना है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो कमिट होने के लिए तैयार है, और फिर डिसीजन का वेट करेगा जो कोऑर्डिनेटर उसको डिसीजन सेंड करेगा। अब कोऑर्डिनेटर ने डिसीजन क्या सेंड करना है, अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशन, कि उसके ट्रांजेक्शन के जो ऑपरेशन थे उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेटर ने अगर तो कमिट का डिसीजन भेजा कि आप इसको कमिट कर दो, तो कमिट मेक ट्रांजेक्शन विजिबल, ये ट्रांजेक्शन जो है वो पूरी एग्जीक्यूट हो गई। अगर कोऑर्डिनेटर एबॉर्ट का डिसीजन भेजता है कि वो ऑपरेशन जो उसने परफॉर्म करवाने हैं वो उस ट्रांजेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे, एबॉर्ट भेज देगा, एबॉर्ट जो है वो हमारे पास पार्टिसिपेंट में मतलब मैसेज जो उनको चला जाएगा और वो ट्रांजेक्शन को एबॉर्ट कर देंगे। थ्री फेज कमिट में क्या होता है, अनदर रियल वर्ल्ड एटॉमिक फेज प्रोटोकॉल इज थ्री फेज कमिट, दिस प्रोटोकॉल कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लॉकिंग एंड प्रोवाइड फॉर मोर फ्लेक्सिबल रिकवरी इन द इवेंट ऑफ फेलियर। अगर हमारी फेलियर कॉज हो जाती है तो फ्लेक्सिबल रिकवरी और ब्लॉकिंग को रिड्यूस करने के लिए हम लोग थ्री फेज कमिट यूज करते हैं। ये बेटर चॉइस है फेलियर प्रोन सिस्टम्स के लिए, यानी जिसमें हमारे पास फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उन एनवायरमेंट्स में हम थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल यूज करते हैं। थ्री फेज कमिट में क्या होता है, कोऑर्डिनेटर साइड के ऊपर अगर देखें, कोऑर्डिनेटर ने सेम वो स्टार्ट करनी है एग्जीक्यूट के लिए प्री कमिट का जो है वो सिग्नल सेंड करना है पार्टिसिपेंट को। प्री कमिट हो जाती है तो उसने मेक श्योर कराना है कि सेंड रिक्वेस्ट टू ईच पार्टिसिपेंट, हर पार्टिसिपेंट को उसने भी रिक्वेस्ट सेंड करनी है और वेट फॉर ईच पार्टिसिपेंट टू रिप्लाई, और वेट करना है कि हर पार्टिसिपेंट उसको रिप्लाई करे। अब इसमें भी टाइम आउट जो है वो इन्वॉल्व है, अगर तो टाइम पे लिमिट हमें आ गया तमाम पार्टिसिपेंट ने येस का सिग्नल दे दिया तो वो कमिट स्टेट में चली जाएगी, और अगर नो का सिग्नल दे दिया तो हम ट्रांजेक्शन को सपोर्ट कर देंगे। अगर तो येस के साथ कमिट स्टेट में आ गई है तो उस पर प्री कमिट से लेके जो हमारे कमिट तक जितने स्टेप्स हैं वो सारे परफॉर्म हो जाएंगे, फिर एक्नॉलेजमेंट होगी, मेजोरिटी हैव द एक्नॉलेजमेंट, यानी एक्नॉलेजमेंट इस चीज़ की होगी कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म हो चुकी है, उसके सारे ऑपरेशन जो हैं हर रेप्लिका के अंदर डेटाबेस की जितनी रेप्लिका जितनी कॉपीज थी उसमें आपके ट्रांजेक्शन जो है वो परफॉर्म हो गई हैं। अगर तो हो जाती है तो कमिट स्टेट में आके वो ख़त्म हो जाएगा, अगर नहीं होती तो यहाँ पे स्टार्ट में ही टाइम आउट को एबॉर्ट कर दिया जाता है। ये सारा काम होता है कोऑर्डिनेटर साइड पे। अब पार्टिसिपेंट साइड पे देखते हैं, स्टार्ट एग्जीक्यूट वेट फॉर रिक्वेस्ट, यानी हमने एग्जीक्यूट करना है रिक्वेस्ट का, अगर तो रिक्वेस्ट रेडी है तो प्री कमिट स्टेट में और यस सिग्नल के साथ हमने कोऑर्डिनेटर को बता देना है कि आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो हो सकती है। फिर हमने कोऑर्डिनेटर को जो साइन भेजा है उसके लिए हमने उसके रिस्पॉन्स का वेट करने, कोऑर्डिनेटर क्या कहता है इस बारे में।
पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर तो आपकी रिक्वेस्ट रेडी नहीं है, पार्टिसिपेंट अवेलेबल ही नहीं है, तो वो नॉट रेडी का सिग्नल दे देगा और आपकी ट्रांजेक्शन अबॉर्ट स्टेट में चली जाएगी। अब अगर वो रेडी था तो आपके कोऑर्डिनेटर को उसने यस का सिग्नल भेजा, आपके कोऑर्डिनेटर ने टाइम लिमिट के अंदर उसको बता दिया कि प्री कमिट करवा दो, और अगर टाइम गुजर गया और कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्स नहीं किया तो आपका रिकवरी फेज में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्री कमिट हो गया तो कमिट में हमारे पास क्या होगा, एक्नॉलेज कोऑर्डिनेटर ईच पार्टिसिपेंट, यानी हर पार्टिसिपेंट जो है वो एक्नॉलेज करेगा, बताएगा कि कोऑर्डिनेटर जो है उसने प्री कमिट का हमें सिग्नल दिया है और हमने ट्रांजेक्शन को कमिट स्टेट तक लेकर जाना है विदाउट टाइम आउट। अगर तो टाइम आउट हो जाता है और कमिट स्टेट में ट्रांजेक्शन नहीं जाती, वो अगेन रिकवरी फेज में जाएगी, और अगर वो टाइम आउट नहीं होता और कमिट स्टेट में चली जाती है तो वो ट्रांजेक्शन विजिबल हो जाएगी और उसके सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएंगे और देन हमने एक फेज पे आ जाना। तो ये था हमारा थ्री फेज कमिट। थैंक यू सो मच।